नमस्ते। मेरा आज का जो टॉपिक है वो जंप स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। जंप स्टेटमेंट क्या होता है? जंप स्टेटमेंट आर यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द प्रोग्राम ड्यू टू सम स्पेसिफाइड कंडीशन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। मतलब जंप मतलब किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर मैं क्या करता हूँ कि मेरे स्टेटमेंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है? जंप स्टेटमेंट के थ्रू होता है। बेसिकली तीन टाइप के जंप स्टेटमेंट्स यूज होते हैं सी लैंग्वेज में, गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू। सबसे पहले बात करते हैं गो टू स्टेटमेंट की। द गो टू स्टेटमेंट अनकंडीशनली ट्रांसफर प्रोग्राम कंट्रोल टू ए लेबल्ड स्टेटमेंट वेयर द लेबल आइडेंटिफायर इन द स्कोप ऑफ द फंक्शन कंटेनिंग द गो टू स्टेटमेंट। द लेबल्ड स्टेटमेंट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिपीट सम पार्ट ऑफ द कोड फॉर ए पर्टिकुलर कंडीशन। देखिए होता क्या है, गो टू स्टेटमेंट का मेन काम क्या होता है? अनकंडीशनली ट्रांसफर करना कंट्रोल को एक जगह से दूसरे जगह। मैं किसी भी कंडीशन को रख के किसी भी स्टेटमेंट को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? लेबल का यूज करना पड़ेगा। गो टू अवॉइड दीज दे, क्यों? क्योंकि गो टू को ज्यादा से ज्यादा इस क्यों, क्योंकि जैसे अगर बात करें जावा है, सी प्लस प्लस है या उससे आगे की जिन्होंने भी लैंग्वेज है उन्होंने गो टू को काफी हद तक अवॉइड करा। क्यों? क्योंकि दिस इज अनकंडीशनली ट्रांसफर कर देता है। जबकि सी लैंग्वेज की अगर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टेटमेंट वन बाई वन होने चाहिए, इसलिए इसको काफी हद तक लोग क्या कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड बांध के चलते हैं, अवॉइड करते हैं। अब बात करते हैं सिंटेक्स की। सिंटेक्स किस तरीके से होता है? गो टू, लेबल और लेबल। ये मतलब ये क्या करेगा कि जब भी गो टू स्टेटमेंट के साथ में कोई कंडीशन होगी कहाँ सेंड कर देगा? इस लेबल पे सेट कर देगा। लेबल क्या है? एक आइडेंटिफायर है। व्हेन द गो टू स्टेटमेंट इज इनकाउंटर द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम जंप टू द लेबल लेवल और फिर कॉलन लगाते हैं एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन द कोड। ना जंप में भी फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड जंप भी हो सकता है। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक कोई वैल्यू ली, इंटीजर नम आई इक्वल टू वन ले लिए, एक वेरिएबल लिए है ना, दो, एक नम है एक आई है इंटीजर टाइप के। एंटर द नंबर, मैं एक नंबर एंटर करता हूँ, मेरे को एक टेबल प्रिंट करनी है, एक मैंने आइडेंटिफायर यूज किया है टेबल। ये क्या है? दिस इज द लेबल। अब प्रिंट है, सबसे पहले नम इंटू आई को प्रिंट किया, जैसे 7 प्रिंट हो रहा है, 14 प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? 7 प्रिंट होगा। अगर मैं 7 देता हूँ वैल्यू इनपुट करता हूँ, नम इंटू आई 7 इंटू 1, फिर आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 2, फिर एक कंडीशन लगा दी इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 10 हो अगर, तो कहाँ करे? गो टू लेबल पे चला जाए। इस तरीके से मेरा एक टेबल प्रिंट हो जाती है किसके? गो टू स्टेटमेंट के थ्रू। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, ब्रेक। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक, द ब्रेक स्टेटमेंट इज सी विच इज यूज टू ब्रिंग द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। अगर मेरे को कहीं लूप के अंदर फंसा हो और वो लूप से मेरे को बाहर लेके आना है तो मैं क्या करता हूँ? गो टू स्टेटमेंट का यूज करता हूँ। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू इनसाइड लूप और स्विच स्टेटमेंट। लूप में भी यूज हो सकता है और स्विच केस में भी यूज। ज्यादातर इसका यूज कहाँ करते हैं? स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर यूज करते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक द लूप वन बाई वन इन केस ऑफ नेस्टेड लूप, है ना? इसका सिंटेक्स क्या होता है? ब्रेक और फिर सेमीकोलन। ब्रेक स्टेटमेंट ऑलवेज यूज विद द स्विच केस व्हाइल डू व्हाइल और लूप के साथ में इसका मैं यूज करता हूँ। देखिए एग्जांपल में बात करते हैं, इंटीजर एक वेरिएबल लिया आई, एक लूप चलाया कहां से? जीरो से लेके 10 तक, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसको। मैंने कहा कि इफ आई इक्वल टू 5, मतलब आई की वैल्यू अगर 5 हो तो क्या करे? ब्रेक कर। इसका मतलब क्या हो गया? मेरा जो लूप है वो कहां से चलेगा? जीरो से लेके 10 तक चलना चाहिए, लेकिन जो ही आई की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, वो ब्रेक मतलब टर्मिनेट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, और ये जो कम आउटसाइड ऑफ द लूप और मैसेज प्रिंट कर देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट जो कंट्रोल, ये जंप स्टेटमेंट है कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। मतलब इसका मेन काम क्या है कि एस्केप करना। ये क्या करेगा? पर्टिकुलर कंडीशन के अगर आप लगाते हैं तो ये क्या कर जाएगा? उसको स्किप कर देगा। इसका सिंटेक्स क्या है? कंटिन्यू और सेमीकोलन।
एग्जाम्पल में बात करते हैं इसकी, एक लूप चलाया है यहां पे भी, एक से लेके 10 तक, आई इक्वल टू 1 से 10 तक। मैं लिखा इफ आई इक्वल टू 5 हो, इफ वैल्यू इज इक्वल टू 5 होगी, इट विल बी कंटिन्यू द लूप, क्या करेगा, एस्केप कर देगा और उसको प्रिंट कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, 1 2 3 4, यहां पे देखिए 6, 4 के बाद में क्या है, 6 है, इसका मतलब क्या है, 5 को इसने एस्केप कर दिया। धन्यवाद, थैंक यू।